नमस्कार, आज हम बात करेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ के बारे में। जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं कि हमारे पास जो वाइट पोर्शन ऑफ द टीथ इज नोन एज द एनामल, एंड इसके अलावा डेंटाइन है। डेंटाइन जो है हमारा सॉफ्ट पार्ट होता है। इसके अलावा सीमेंटम जो पोर्शन होता है ये हमारे टीथ को गम्स में टाइटली होल्ड करके रखता है। इसके अलावा द ब्लड सप्लाई ऑफ द टीथ इज़ नोन एज द पल्प। जो टीथ का जो पार्ट जो हमारा गम्स के अंदर रहता है इट इज़ नोन एज द रूट, और जो पोर्शन हमारा गम्स के बाहर रहता है इट इज़ नोन एज द क्राउन। What is the dental products? So dental products and the substance used to produce effect on the teeth and in the dental cavities is known as the dental products. और हम ये भी कह सकते हैं कि dental products are the substance used to clean the teeth and the dental cavities is known as the dental products. इसके अलावा India has the highest incidence of oral cancers in the world due to the poor dental health. इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द केसेस ऑफ द ओरल कैंसर्स इन द वर्ल्ड ड्यू टू द पुअर डेंटल हेल्थ कॉज्ड बाय द च्यूइंग ऑफ द टोबैको एंड ईटिंग ऑफ पान मसाला गुटखा एक्सेट्रा। डेंटिफ्राइसिस इंक्लूड द टूथ पाउडर्स एंड द टूथ पेस्ट, बोथ आर दी डेंटिफ्राइसिस। सो बेसिकली व्हाट आर द डेंटिफ्राइसिस? डेंटिफ्राइसिस आर द एजेंट्स यूज्ड अलोंग विद द टूथ ब्रश टू क्लीन और पॉलिश द नेचुरल टीथ इज नोन एज द डेंटिफ्राइसिस। और हम ये भी कह सकते हैं कि डेंटिफ्राइसिस जो है टूथ पाउडर ही हैं और टूथ पेस्ट ही हैं। कॉमर्शियली डेंटिफ्राइसिस कंटेन द सोप्स एब्रेसिव्स फ्लेवरिंग एजेंट्स डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स इसके अलावा पॉलिशिंग एजेंट्स एक्सेट्रा। डेंटिफ्राइसिस इज ऑल्सो अ फ्रेंच वर्ड फॉर टूथ। डेंटिफ्राइस जो है एक फ्रेंच वर्ड है टूथ के लिए। डेंटिफ्राइस हम देख सकते हैं कि डावर लाल दंतमंजन आता है, टूथ पाउडर है। इसके अलावा टूथपेस्ट में दंतकांति आता है, क्लोजअप आता है, कोलगेट आता है, काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में। टाइप्स ऑफ दी एजेंट्स लाइक एंटी कैरीज एजेंट्स दीज आर द एजेंट्स यूज्ड टू प्रिवेंट दी कैविटीज इन द टीथ। एग्जांपल आपका सोडियम फ्लोराइड है, इसके अलावा स्टेनस फ्लोराइड है। क्लिनजिंग एजेंट्स आर द एजेंट्स यूज्ड टू क्लीन द टीथ। एग्जाम्पल डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट। पॉलिशिंग एजेंट्स दीज आर द एजेंट्स यूज्ड टू पॉलिश द टीथ। एग्जाम्पल सोडियम मेटाफॉस्फेट आपका क्लिनजिंग एजेंट भी है, इसके अलावा पॉलिशिंग एजेंट भी है। डिसेंसिटाइजेशन एजेंट्स एग्जाम्पल जिंक क्लोराइड एंड स्ट्रोंटियम क्लोराइड। स्टेजेस ऑफ द कैरीज डेवलपमेंट, इससे पहले हम बात करेंगे कि हमारे टीथ्स में कैविटीज होती कैसे हैं। व्हाट इज द जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कैरीज प्रोडक्शन का? सो एंटी कैरीज एजेंट्स आर द एजेंट्स टू प्रिवेंट द टूथ डीके एंड कंसिक्वेंटली कैरीज। एंटी कैरीज एजेंट क्या हैं? ये एजेंट हैं या फिर केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे दांतों में सड़न को रोकते हैं। दांतों में सड़न होती कैसे है? जो फूड हैं आपके, फूड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जो मेन जो आपका देखें फूड का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। वो फर्दर डिग्रेडेशन पे क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज या फूड इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया जो कि हमारे माउथ में अवेलेबल हैं ऑलरेडी कॉजेज द फर्मेंटेशन ऑफ द फूड देन प्रोड्यूसेस द एसिड्स। दीज एसिड्स कॉजेज द डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द टीथ, फर्दर कॉजेज द क्रैकिंग ऑफ द एनामल, देन कॉज द टूथ डीके।
सो मेन जो एंटी कैरीज एजेंट है वो ये जो हमारी चेन ऑफ द ये जो हमारी जो रिएक्शन है इसको रोकता है। तो एंटी कैरीज एजेंट्स क्या करते हैं, इन एसिड्स के रिएक्शन को रोकते हैं। सो हम स्टेजेस देख लेते हैं एंटी कैरीज की या कैविटीज हमारे दांतों में कैसे डेवलप होती हैं। जैसे कि हमें दिखाया कि जो जो हमारे एसिड्स हैं, एसिड्स क्या करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन से आपका क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन, देन इट कॉज़ क्रैकिंग ऑफ द एनामल। तो जो क्रैकिंग हुई है एनामल की या फिर आउटर सरफेस ऑफ द टीथ की, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है जिससे कैविटीज बड़ी हो जाती हैं। अगर वो एनामल वाले पार्ट में है देन इट इज़ नोन एज द एनामल कैरीज। अगर यही हमारे डेंटाइन पार्ट में चली जाएगी देन इट इज़ द डेंटाइन कैरीज या डेंटाइन कैविटीज। अगर ये फर्दर इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते हमारा पल्प में चला जाता है देन इट इज़ द पल्पाइटिस। अगर ये फर्दर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, अगर ये आपका रूट्स में चला जाए टीथ के में, देन इट इज़ नोन एज अ पेरियोडोंटाइटिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द फ्लोराइड्स। सो फ्लोराइड हमारी कैविटीज़ को बनने से कैसे रोकता है, द डिपोजिटेड फ्लोराइड ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ प्रिवेंट एक्शन ऑफ द एसिड्स एंड एंजाइम्स ऑन द प्रोड्यूसिंग कैविटीज़। सो बेसिकली फ्लोराइड क्या करता है, ये एसिड्स के एक्शन को रोकता है। कैसे रुकता है, फ्लोराइड इज़ एन एंटी कैरियोजेनिक एजेंट। एंटी कैरियोजेनिक एजेंट मीन्स विच प्रिवेंट्स द कैविटी प्रोडक्शन, जो कैविटीज़ को बनने से रोकता है। इट रिप्लेसेस द हाइड्रोक्सिल आयन इन द हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, टीथ का जो हमारा एनामल है वो किसके किससे बनता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हमारा रिप्लेस हो जाता है फ्लोरीन से, देन फ्लोराइड फॉर्म्स द फ्लोरो एपेटाइट। फ्लोरो एपेटाइट हार्डन द एनामल। फ्लोरो एपेटाइट है वो हमारे टीथ को और ज़्यादा हार्ड बना देता है। इसके अलावा फ्लोरो एपेटाइट हैव द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़। फ्लोरो एपेटाइट की एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे कैविटीज़ को बनने से रोकती है। फ्लोराइड इन योर टूथ एनामल। फ्लोरीन जो है हमारे टीथ का जो एनामल है, जो आउटर जो वाइट पोर्शन है उसमें जो है हमारा टूथ एनामल का पार्ट बन जाता है। अब देखें, फ्लोरोएपेटाइट कंटेन्स 37,670 ppm फ्लोराइड कंपेयर्ड विद 65 ppm मेजर्ड इन टॉपिकली ट्रीटेड रियल टीथ। होता क्या है कि जो हमारा फ्लोरीन है वो हमारा जो आउटर एनामल है उसमें आपका फ्लोरोएपेटाइट बना लेता है। जैसा कि ये जो डार्क जो पोर्शन दिखा है ये आप देखें, इसमें जो है फ्लोरीन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जैसे ही हम टीथ के अंदर जाएंगे फ्लोरीन की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। जो ये जो ब्लैक पोर्शन दिखा है ये आउटर एनामल है आपका टीथ का, जिसमें हमारी मोर देन 65 ppm तक की फ्लोरीन देखने को मिलती है। सोडियम फ्लोराइड की प्रोडक्शन के बारे में बात करें, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें। सो सोडियम फ्लोराइड एक आपका एंटी कैरियोजेनिक एजेंट है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है आपका NaF, मॉलिकुलर वेट है आपका 41.99। फ्लोरीन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट इन कंपोजिशन ऑफ द टूथ एनामल एंड इट्स प्रेजेंस रेजिस्ट द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ द एसिड्स एंड इट इनहिबिट्स द एंजाइम दैट प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक एसिड। फ्लोरीन जो है नॉर्मल केसेस में हमारा टूथ का एनामल का पार्ट है। फ्लोरीन आपका जो है एसेंशियल एलिमेंट है इन द कंपोजिशन ऑफ द टूथ एनामल, यानी कि टूथ जो एनामल है वो फ्लोरीन से आपका, फ्लोरीन भी उसका एक पार्ट है। इट्स प्रेजेंस रेजिस्ट द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ द एसिड्स। जो हमारा सोडियम फ्लोराइड है हमारा, ये एसिड्स के सॉल्वेंट एक्शन को रोकता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसकी, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट विल फॉर्म द सोडियम फ्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
Recommended level of fluorine in drinking water in India is 0.5 to 0.8 mg per liter और parts per million. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं फ्लोरीन के लिए, वो ड्रिंकिंग वाटर में 0.5 से लेकर 0.8 mg पर लीटर तक हैं. अगर इससे ज़्यादा है तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो आपका सोडियम फ्लोराइड है, कलरलेस पाउडर है, इसके अलावा कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्टी टेस्ट है, सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन एल्कोहल. इसके अलावा यूजेस की बात करें, सोडियम फ्लोराइड आपका एंटी कैरियोजेनिक एजेंट है. इसके अलावा प्रोफिलैक्सिस ऑफ द डेंटल कैरीज. प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी को होने से पहले रोकना. सो सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड एज अ प्रोफिलैक्टिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द कैविटीज मैन्युफैक्चरिंग. इसके अलावा स्टोरेज इट्स एक्वस सोल्यूशन कोरोड ऑर्डिनरी ग्लास बोटल्स सो स्टोर्ड इन डार्क पैरेक्स बोटल्स. यूजल डोजेस फॉर्म है 2.2 mg वंस अ डे. इसके अलावा स्पेशल प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, सो डेंटल फ्लोरोसिस अकर्स व्हेन एक्सेस फ्लोराइड इज इंजेस्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ द लाइफ और ईयर्स ऑफ द टूथ कैल्सिफिकेशन. अगर टूथ कैल्सिफिकेशन की स्टेज में हमने ज़्यादा फ्लोराइड इंटेक किया है तो इससे हमारे दांतों में डेंटल फ्लोरोसिस हो सकती है. जैसा कि हम देख सकते हैं कि नॉर्मल केसेस में जो टीथ होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, लेकिन जो डेंटल फ्लोरोसिस में जो है ब्राउन कलर की लाइनिंग आ जाती है या फिर वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं वाइट कलर के. सो अगर लेवल ऑफ फ्लोरीन आपका मोर देन 1.5 ppm है देन इट्स कॉज द मॉटलिंग या फिर डेंटल फ्लोरोसिस. अगर लेवल जो है मोर देन 3 ppm है और लेस देन 6 ppm है देन इट कॉज द स्केलेटल फ्लोरोसिस. अगर मोर देन 10 ppm है देन इट कॉजेज द क्रिपलिंग फ्लोरोसिस. इसके अलावा स्टेनस फ्लोराइड की हम बात कर लेते हैं. स्टेनस फ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है SnF2. मॉलिकुलर वेट है 156.69. इसके अलावा जो सिनोनिम है इसका टीन फ्लोराइड. मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एवेपोरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ द स्टेनस फ्लोराइड प्लस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन. सो स्टेनस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विल फॉर्म द SnF2 प्लस वाटर. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो इट इज़ अ कलरलेस पाउडर एंड ऑडरलेस पाउडर, बिटर सॉल्टी टेस्ट, सोल्यूबल इन वाटर देन प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन एल्कोहल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म. यूजेस की बात करें देन इट हैज़ एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टीज़ स्टेनस फ्लोराइड. इसके अलावा प्रोफिलैक्सिस ऑफ द डेंटल कैरीज, जैसा मैंने बताया था कि बिफोर दी स्टार्टिंग ऑफ द कैविटीज़ या मुँह आपके दांतों में कैविटीज़ के प्रोडक्शन से पहले ही हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ द डेंटल प्रोडक्ट्स एंड 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑन अ सिंगल एप्लीकेशन इज इनफ फॉर अ 6 month टू 1 year. सुपीरियर टू सोडियम फ्लोराइड, आपका जो स्टेनस फ्लोराइड है वो आपका जो है सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू सोडियम फ्लोराइड के. जो आपका स्टेनस फ्लोराइड है वो आपका सोडियम फ्लोराइड से सुपीरियर है, काफ़ी अच्छा है. क्यों? इट हैज़ अ सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन. एक तो जो है हमें जो है यूज़ जो करना है इसको जो सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन जो यूज़ करना है, आप देखें जो 8% जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपके लिए काम करेगा. इसके अलावा हैव अ ग्रेटर इफेक्टिवनेस. जो हमारा स्टेनस फ्लोराइड है, जो हमारे स्टेनस आयंस हैं, इसके अलावा जो वो विद फ्लोरिन आयंस के साथ मिलकर जो है उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है.
इसके अलावा स्टोरेज की बात करें, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर इन कूल एंड ड्राई पैलेस सॉरी कूल एंड ड्राई प्लेस एंड स्टेनलेस फ्लोराइड इज़ फॉर टॉपिकल यूज़ ओनली. सो थैंक यू.